एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं आज की अहम। फर्नांडेज हॉस्पिटल की जानिब से द नेशनल मिड वेफरी एजुकेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मिस्टर एंड्रयू फ्लेमिंग, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर, ने रिबन काट कर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। लीला वर्की, ट्रेन्ड नर्स मिडवाइफ, जो भारत में हमारी ट्रेनिंग एक साथ होती थी, मिडवाइफरी और नर्सिंग की। बहुत साल गुजर गए और धीरे धीरे मिडविफरी चाहती हैं कि घर जैसा वातावरण हो, उनकी इज्जत की जाए, उनकी सुनवाई हो और उनका जो भी उनके अपने जिस्म जो उनको बोल रहा है कि उस समय, जैसे मैडम इंदु ने बताया, डिलीवरी के समय वो बैठना चाहती हैं या कुछ चलना चाहती हैं, खाना पीना चाहती हैं, तो वो उनको करने दें। डॉक्टर फर्नांडिस और दूसरे भी ऑब्स्टेट्रिशियंस अब ये मानते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो महिला को, माता को अपने बलबूते पे जितना वो डिलीवरी अपने आप कर सके उस पे की जाए। पर सबसे ज़रूरी हम ये मानते हैं, और मैम इवलिन जो हैं यहाँ, इवलिन कनन, ये जनरल सेक्रेटरी हैं ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, ये आपको परिचय देंगी और बताएंगी कि कैसे महिलाएं अपना स्वास्थ्य अपने हाथों में लेके कैसे बेहतर बना सकें, ताकि अगली पीढ़ी बच्चे भी उनके अच्छे स्वस्थ हों। तो उनसे without medical complications and you care for her throughout her pregnancy. So the antenatal journey starts with the midwife. With that continuity, the mother and the midwife develop a rapport, and the outcomes have been shown, research have shown that mothers who know their midwives and have midwifery-led care have fewer interventions and birth, and that will reduce the high cesarean section rates in India. So it's very much a needed profession, but it needs to be a separate profession and the midwives are trained separately. It's a separate 18th month program. I'm a midwife and I'm also a nurse, and I've had a separate training in the UK, and I'm very excited that our journey in Telangana has actually highlighted the importance of having a separate midwifery training, and we are here today training midwifery educators to train midwifery. But one day you have a lot of potential in India. You will have your midwifery educators from within because you have the scope and the wealth.